विश्ववन्द्यनिखिलभय हरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं हरिः ॐ आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दधासो अमरीता स उद्भिदः देवानो जथा सदमित्रिधे अस्वन्थ प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमते ऋजूयतां देवानां रातिरभिनो निवर्ततां देवानां सख्यमुपसे निमापयन् देवानां आयुः प्रतिदन्तु जीवसे तान् पूर्वया निमिता भूमहे वयं भगत् मित्रमदिते दशमस्ति ब्रह्म अर्जमणं वरुणकं सोममश्विना सरस्वतीनः सुभगामयस्करद पन्नो वातो मयो भुवानु भेभजन् तन्माता पृथिवी तत्पिता द्योः तत्रा वाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतन् तृष्ण्या जुवं तमीशानं जगतस्तस्तु बृहस्पतिं धियं जिवमवसे भूमहे वयं मुखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता मायुरदग्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो भृतश्रवाः स्वस्ति नः मुखा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्षो Bye.
प्रभु की कथा रस के पिपासु श्रीमद्भागवत नवाह ज्ञान यज्ञ के इस आस्थायिका में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद्भागवत महापुराण अनेकों रहस्यों को अपने भीतर आत्मसात किए हुए हैं। ये एक विशाल सागर है। जैसे सागर में असंख्य रत्न होते हैं, कोई कुशल गोताखोर ही सागर में जाकर उन रत्नों का ज्ञान प्राप्त करता है, उन रत्नों से परिचित होता है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव एक ऐसे ही कुशल गोताखोर होते हैं। वो हर एक ग्रंथ की गहराई से परिचित होते हैं। हर एक ग्रंथ की गहराई में जाकर उनमें छिपे हुए रत्नों को जनमानस के सामने रखते हैं। वो बांटने आते हैं। जिस आनंद स्रोत से वो जुड़े होते हैं, उनकी एक ही इच्छा है कि मानव समाज भी आनंदित हो जाए, जीवन में भी सुख शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाए। परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर छिपे रत्नों से हम परिचित हुए, और जो रत्न उन्होंने हमें प्रदान किए वही रत्न हम आपको देने आए हैं। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की अनुकंपा से श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद हैं। चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत गत सभा में आपने सुना मनु के पुत्र उत्तानपाद के बारे में, अरुण के पुत्र ध्रुव के बारे में। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5 स्कंद में मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत की गाथा है।
प्रियव्रत के वंश का वर्णन कर मानो वेद व्यास जी ने पुनर्जन्म की वास्तविकता को